हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी? आई होप कि सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट, आज जो हम इस सीरीज़ को शुरू करने वाले हैं, ये स्पेशली आईटीआई स्टूडेंट के लिए है। और उन आईटीआई स्टूडेंट के लिए ये जो सीरीज़ है, यह है ट्रेड थ्योरी सब्जेक्ट की। तो बेसिकली स्टूडेंट, आप सभी को पता होगा कि हर ट्रेड की अलग अलग थ्योरी होती हैं। जैसे कि एग्जांपल में वेल्डर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन और भी बहुत होती हैं। तो स्टूडेंट, आईटीआई में जो प्रशिक्षण पर वर्कशॉप में कार्य करते हैं, वो करते हैं औजारों से, जिसे बोलते हैं हम टूल इक्विपमेंट या टूल किट। तो स्टूडेंट, उसी टूल इक्विपमेंट में से एक टूल आता है हमारा, जो है रेती, और इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं फाइल। तो चलिए दोस्त स्टूडेंट, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है राम कुमार, मैं आपका स्वागत करता हूँ इस क्लास में। तो चलिए आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट, हमारा टॉपिक था फाइल, रेती। तो हम आज रेती पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है अपना, रेती क्या है, फाइल क्या है। सेकंड है, रेती किसकी बनी होती है, फाइल किसकी बनी होती है। थर्ड है, फाइल कितने प्रकार की होती है, रेती कितने प्रकार की होती हैं। तो फर्स्ट देखते हैं पहले, रेती क्या है, फाइल क्या है। तो स्टूडेंट, इसे डिटेल में देखते हैं। रेती एक हैंड कटिंग टूल है, जिसके द्वारा धातु को छोटे छोटे कणों के रूप में घिसाया जाता है और वेल्डिंग शॉप में वेल्ड की जाने वाली धातु जॉब की तैयारी करते समय रेती का प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट, समझ में आया रेती क्या है? रेती इस तरीके की होती है, जैसे कि यह डायग्राम में है। और रेती हमारी एक हैंड कटिंग टूल है, जिसको हम धातु को छोटे छोटे कणों के रूप में घिसकर जॉब को 90 डिग्री में सेट कर देते हैं। जैसे कि एग्जांपल में मान के चलिए आपका जॉब 1 या 2 mm एक्स्ट्रा कट गया है, तो आप उसको काट तो सकोगे नहीं। तो इस पोजीशन में, इस सिचुएशन में हम इस फाइल का प्रयोग करते हैं। जो हमारा जॉब 1 या 2 mm कट एक्स्ट्रा कटा है, उसको हम घिसकर 90 डिग्री में सेट कर देते हैं। यही है हमारी फाइल। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर सेकंड, रेती किसकी बनी होती है, फाइल किसकी बनी होती है। तो इसको डिटेल में देखते हैं। रेती हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है। इसकी टैंक को छोड़कर बाकी सारी रेती हार्ड और टेम्पर होती हैं। कुछ समझ में आया स्टूडेंट? रेती हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है और इसकी टैंक को छोड़कर बाकी सारी रेती हार्ड और टेम्पर होती हैं। तो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। हम नेक्स्ट देखते हैं, रेती कितने प्रकार की होती हैं, फाइल कितने प्रकार की होती हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी को बेसिकली पता होगा फाइल कितने प्रकार की होती हैं। नहीं पता तो चलो देखते हैं इसमें। तो देखते हैं इसको डिटेल में क्या है। रेतियाँ निम्न 7 प्रकार की होती हैं। इनका प्रयोग
काम के अनुसार किया जाता है। रेती है हमारी जो फाइल, वो है 7 प्रकार की होती हैं और उनका प्रयोग काम के अनुसार किया जाता है। जिस तरीके का हमारा काम होता है उस तरीके की हम फाइल सेलेक्ट करते हैं। तो देखते हैं आगे 7 कौन कौन सी होती हैं। रेतियों के निम्न प्रकार, जिसमें से फर्स्ट है फ्लैट फाइल, सेकंड है हैंड फाइल, थर्ड है स्क्वायर फाइल, फोर है राउंड फाइल, फिफ्थ है हाफ राउंड फाइल, सिक्स है ट्रेंगुलर फाइल और सेवेंथ है नाइफ एज फाइल। तो स्टूडेंट ये है हमारी 7 फाइल, यही होती है हमारी 7 फाइल। तो आप सभी को समझ में आया होगा, नहीं आया तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, दोबारा देख लीजिए। तो स्टूडेंट आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में। और स्टूडेंट बस आपसे इतना सा कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में उम्मीद का साथ मत छोड़िएगा, क्योंकि जिसने उम्मीद का साथ छोड़ दिया, ज़िंदगी उसका साथ छोड़ देती है। हर पल सकारात्मक रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनों के प्यार के साथ और अपनी अच्छी और सच्ची मेहनत के साथ। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करे आपके जैसा। तो स्टूडेंट आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू आपका, आप सभी का इस क्लास को देखने में, जो इस क्लास को इतना समय दिया।